हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और काफी टाइम बाद आई रही है वीडियो मेरी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, थोड़ा सा बिजी चल रहा था मैं। और अब भाई उठ गया हूँ, और उसके बाद अभी मैं थोड़ा रेडी होता हूँ, थोड़ा काम में जाना है। और ईशु बना रही है नाश्ता, और अभी चलता हूँ, देखता हूँ अभी नाश्ते में बन रहा है क्या। पीछे चढ़ाई पड़ी है, और देखता हूँ ईशु क्या बना रही है नाश्ते में। तो चलते हैं। अरे खाने में मजाक भी होती है क्या? क्या बना रही हो ऐसा? ये धनिया की चटनी। धनिया की चटनी और रोटी। भाई साहब आलू दिख गए, इसने बोला था आलू के पराठे बनाऊंगी, अब कह रही है पता नहीं कैसे बनते हैं। नहीं आएगा, ये बनने के बाद पता चलेगा कैसा बनते हैं। और वही पराठे रेडी होते हैं, उसके बाद अपन आटा गूंदा है, उसके बाद दिखाएंगे आपको। अब खाते हैं पराठे। तूने मुंह धोया आज? नहीं। नहीं धोया ना मुंह? ब्रश भी किया। ब्रश किया? चलो सब तो ब्रश किया, दिखा तो पीले दिख रहे ना। तो गाइस ये देखो भाई, बिस्तर सब ऐसे ही फैला है। अब मैं जाऊंगा अपने काम में, तो उसके बाद ये तो पूरा साफ सफाई करेगी इसकी। और अभी भाई मेरा थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रखा है, पानी गर्म हो जाए अपना नहाते हैं और फिर निकलते हैं काम के लिए। और जिस जगह मैं काम में जा रहा हूँ थोड़ा व्यू भी अच्छा है, तो वहाँ पे व्यू दिखा दूंगा। बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसके बाद थोड़ा ब्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि शादी के बाद 2-3 ब्लॉग बनाए मैंने, उसके बाद डाले हैं। तो उसके साथ नहाता हूँ, रेडी होता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पराठे बन रहे हैं। ये वही आलू का पराठा है अपना, और यहाँ पे चटनी है तिल की, और ये आलू का वो रखा है, और यहाँ पर देसी घी के मस्त पराठे बन रहे हैं। चुप कर, तो आप बना लो। तुम्हें कैसा लग रहा है बनाने में? पहली बार थोड़ी ना। तो तुम ऐसा क्यों शर्मा रही हो कि पहली बार बना रही हो? तुम बन तो रहा है, अच्छा तो बन रहा है, गोल गोल पराठा बन रहा है। का है सर यही दिखाओ, और ये भी चाय अपनी। तो भाई सब मेरा नाश्ता लगता है, मैं खाता हूँ, ठीक है। लगा जल्दी, हमारा आ गया नाश्ता, चटनी डाल के। और ये चाय है, और ये है हमारी तिल की चटनी। ये जो सफेद तिल होते चटनी वाले, वो तिल की चटनी है। पराठे भाई साहब मजा आ जाएगा। तो ये नाश्ता करता हूँ मैं, हो रहा हूँ लेट थोड़ा, ठीक है, फिर चलते हैं। गाइस अब मैं रेडी हो चुका हूँ, और अब निकलता हूँ अपने काम के लिए। जहाँ जा रहा हूँ काम के लिए भाई, जा रहा हूँ मैं धनुष पुल, और बहुत बेहतरीन जगह है भाई, और आर्मी कैंट एरिया है आर्मी का, वहाँ जा रहा हूँ मैं काम के लिए। और चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको रास्ते का, आप लोगों को बने रहना है। वो है मंदिर, और ये है लाल कोठी, यहाँ का नाम कहा जाता है यहाँ पे। जंगल में ना हाथी लेपर्ड वगैरह यहाँ पर काफी सारे हैं, और ये जो जंगल है ये नेपाल से टच है, ये जंगल पार करने का नेपाल आ जाता है पूरा उधर।
गाइस ये जो पुल है ब्रिटिश के टाइम का है, अंग्रेजों का बनाया हुआ, और कभी पहले इसमें ट्रेन भी चलती थी, यहाँ अंदर ट्रेन की पटरी भी बनी हुई है। और एक चीज़ यहाँ की खासियत और है, ये ऊपर से अलग एक नदी जा रही है और इसके नीचे भी एक नदी है जो यहाँ से आउट हो रही है। गाइस ये देखो भाई, एक नदी ये है और एक नदी ये है। तो गाइस ये है ब्रिटिश के टाइम की, काफी साल पहले बनी हुई है, अंग्रेजों की बनाई हुई। और ये जो मेरे पीछे पुल देख रहे हैं आप, ये जा रही है नदी पूरी नेपाल को, और ये अलग ही है यार, अलग ही टाइप के बना। ये आता है पूरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में धनुष पुल, और यहाँ से पूरा नेपाल का रास्ता भी है। और ये देखो यहाँ पे धामी जी ने काफ़ी अच्छा कर रखा है, यहाँ पे झूले वूले लगा दिए हैं, बैठने की कर दिए, और यहाँ पर शॉप भी है। आप इधर थोड़ा घूमने आते हैं तो आपको यहाँ पर दिल्ली फूड करके शॉप है, यहाँ पर चाउमीन वामिन जो भी खानी है सपोर्टेड सब खा सकते हो, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है आप लोगों को। गाइस देख सकते हो ब्रिटिश के टाइम पर कभी यहाँ पर ट्रेन चली करती थी, टॉय ट्रेन, जो इस रोड पे पूरी थी, बाकी पटरी तो हटा दी गई है, बट ये थोड़ी बहुत बची है जो पुल के पुल में टस थी। नीचे नदी है जो ये नेपाल साइड को जा रही है।